SEAS स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 3 नवंबर 2023 को आयोजित कराई जा रही है, जिसमें आज की वीडियो में हम सर्वे परीक्षा क्या है से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और फील्ड इन्वेस्टिगेटर FI के रूप में नियुक्त हुए साथियों को क्या क्या करना है पूरी जानकारी टू द पॉइंट जानेंगे, जिससे आप पूरी परीक्षा आसानी से करा सकें। SEAS 2023 परख मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तथा NCERT द्वारा मिलकर पूरे भारत में सभी राज्यों के सभी जनपदों के सभी ब्लॉकों के कुछ चयनित विद्यालयों जिसमें सरकारी मान्यता प्राप्त एडिड प्राइवेट स्कूल्स में 3 नवंबर 2023 को एक OMR बेस्ड परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। इसके साथ साथ यह परीक्षा अधिकतम 30 बच्चों की ही कक्षा 3, 6 और 9 में कराई जाएगी, जिसमें कक्षा 3, 6 और 9 के छात्र छात्राओं का केवल भाषा और गणित विषय का ही आकलन किया जाएगा। इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DLC, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक स्तर पर BLC, ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर और विद्यालय में इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए साथियों को फील्ड इन्वेस्टिगेटर FI के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद इस सर्वे के अंतर्गत आपको प्रति कक्षा टेस्ट फॉर्म यानी कि प्रश्न पत्र बुकलेट उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें कक्षा 3 के लिए आपको प्रश्न पत्र के 3 सेट उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि 31, 32 और 33 होंगे। इसी प्रकार कक्षा 6 के लिए भी आपको 3 सेट 61, 62 और 63 मिलेंगे, लेकिन कक्षा 9 के लिए आपको 4 सेट 91, 92, 93 और 94 मिलेंगे। इसमें कक्षा 3 के लिए प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी और मूल्यांकन का समय 60 मिनट, कक्षा 6 के लिए प्रश्नों की संख्या 50 और टाइम 75 मिनट, जबकि कक्षा 9 के लिए प्रश्नों की संख्या 60 और समय 90 मिनट बच्चों को प्रश्न हल करने के लिए दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस सर्वे में 3 प्रश्नोत्तरी PQ प्यूपिल क्वेश्चनरी जो कि बच्चों से संबंधित प्रश्नावली है, इसके बाद TQ टीचर क्वेश्चनरी जो सर्वे के विद्यालय से संबंधित शिक्षकों के लिए प्रश्नावली है, SQ स्कूल क्वेश्चनरी जो स्कूल से संबंधित प्रश्नावली है, इन तीनों के माध्यम से विद्यालय का व्यापक मूल्यांकन भी किया जाएगा। यह सभी PQ, TQ और SQ फील्ड इन्वेस्टिगेटर को ही भरने होंगे, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब सर्वे की पूरी समय सारणी आपको यहाँ पर दी गई है, इसको भी आप एक बार अवश्य देख लें। इसके बाद फील्ड इन्वेस्टिगेटर को परीक्षा के लिए क्या क्या सामग्री मिलेगी वह भी जानते हैं। अब कक्षावार हर एक स्कूल के लिए FI को सर्वेक्षण सामग्री की यह मात्रा मिलेगी, जिसमें कि आपको आवंटित कक्षा के लिए फील्ड नोट्स 1 मिलेंगे, उसके बाद आपको उपलब्धि टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट के जो भी कक्षा आपको आवंटित होगी कक्षा 3, 6 या 9, उसमें आपको कक्षा 3 के लिए टेस्ट फॉर्म 31, 32 और 33 के 10-10 सेट आपको मिलेंगे। इसी प्रकार कक्षा 6 के लिए आपको टेस्ट फॉर्म 61, 62 और 63 के 10-10 सेट यानी कि कुल मिलाकर 30 सेट आपको मिलेंगे, और इसी प्रकार कक्षा 9 के लिए आपको टेस्ट फॉर्म 91, 92, 93 और 94 के 8-8 सेट मिलेंगे। इसके बाद आपको छात्रों से जुड़ी प्रश्नावली PQ के लिए आपको 30 सेट मिलेंगे। इसी प्रकार आपको शिक्षक प्रश्नावली TQ भाषा और गणित के अध्यापक के लिए 2 सेट मिलेंगे और स्कूल क्वेश्चनरी वो आपको सिर्फ 1 ही सेट मिलेगा। अब इन टेस्ट फॉर्म और PQ में दिए गए क्वेश्चन को OMR शीट पर अंकित करने के लिए आपको 30 OMR शीट भी दी जाएंगी, और साथ ही साथ शिक्षक प्रश्नावली और स्कूल प्रश्नावली जो कि TQ और SQ है, उसके लिए भी आपको 2 और 1 OMR शीट दी जाएंगी। अब फील्ड इन्वेस्टिगेटर को परीक्षा से एक दिन पहले क्या क्या करना है, परीक्षा के दिन परीक्षा से पहले क्या क्या कार्य करना है और परीक्षा के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है तथा परीक्षा के उपरांत क्या क्या कार्य करने हैं वह सब जानेंगे। अब परीक्षा से एक दिन पहले आप आवंटित स्कूल के प्रिंसिपल से मिलकर उन्हें परीक्षा से संबंधित ज़रूरी जानकारी से अवगत करा दें
और परीक्षा के लिए एक कक्षा कक्ष का चयन करके बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर लें। उसके बाद प्रिंसिपल तथा कक्षा 3, 6 और 9 में पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलें और विद्यालय प्रश्नावली जो कि स्कूल क्वेश्चनेयर है उसको भर लें। आपकी सुविधा के लिए यह PQ, SQ और TQ कैसे भरने हैं भरे हुए आपको PDF सहित आने वाली वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथियों, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। इसके बाद सर्वे वाली कक्षा में अगर 5 से कम विद्यार्थी नामांकित तो नहीं हैं यह भी ज़रूर चेक कर लें। अगर हैं तो इसके बारे में BLC को बता दें जिससे आवंटित विद्यालय को बता जा सके। अब सर्वे वाले दिन यानी कि 3 नवंबर को आपको सुबह मॉर्निंग असेंबली से पहले ही विद्यालय आपको पहुंचना है। उसके बाद आपके सामने 2 केस आएंगे। पहला, सर्वे के दिन जिस कक्षा का आप सर्वे करेंगे अगर उस कक्षा में एक ही सेक्शन है और कक्षा में 5 या 5 से अधिक या 30 या 30 से कम बच्चे हैं तो आप उपस्थित सभी बच्चों को परीक्षा में सम्मिलित करेंगे और शीट 1 में सबसे पहले सभी बच्चों की जानकारी भर लेंगे और उसके बाद बच्चों के बैठने का सीटिंग प्लान बनाएंगे। सीटिंग प्लान बनाने की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी जिसमें अगर आप कक्षा में बोर्ड के पास खड़े हैं तो वहां से लेफ्ट साइड से आप शुरुआत करेंगे और जो स्टूडेंट ID बच्चों को शीट 1 में दी है उसके अनुसार 1 से लेकर 30 तक जितने भी बच्चे उपस्थित हों उनको इस प्रकार क्रम में बिठाएंगे कि एक रो में बस 5 बच्चे ही बैठें और ऐसे ही 6 रो 30 बच्चों की आप बना लेंगे। अगर कक्षा में 30 से कम बच्चे हैं तो उसी अनुसार आप बच्चों को बिठा देंगे और साथ ही साथ जो भी कक्षा आपको आवंटित है उसमें दिए गए प्रश्न पत्र के सेट भी आपको इसी क्रम में बच्चों को बांटने होंगे। जैसे कि कक्षा 3 के लिए 31 नंबर सेट पहले बच्चे को, फिर 32 नंबर सेट दूसरे को, 33 नंबर सेट तीसरे बच्चे को, उसके बाद दोबारा से 31 नंबर सेट आप चौथे बच्चे को देंगे और आगे दिए गए क्रम को यहाँ दर्शाए गए क्रम अनुसार जारी रखेंगे। बस यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस सीटिंग प्लान में आपको उपस्थित बच्चों को ही बैठाना है और उन्हें ही स्टूडेंट ID अलॉट करनी है। इसमें अनुपस्थित बच्चों का जिक्र ही ना करें जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन की असुविधा ना हो। यहाँ पर एक बात का और विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि CWSN हैं तो उन बच्चों को टेस्ट पूरा करने के लिए आप 30 मिनट का अतिरिक्त समय देंगे। अब दूसरे केस में अगर यदि किसी कक्षा में 1 से अधिक सेक्शन हो तो आपको रैंडम सैंपलिंग प्रक्रिया के माध्यम से एक सेक्शन का चयन करना होगा और यदि रैंडम सैंपलिंग प्रक्रिया से सैंपल सेक्शन क्लास में 30 से कम छात्र हों तो आपको पहले केस में बताए गए स्टेप अनुसार कार्य करना है और अगर चयनित सैंपल सेक्शन क्लास में 30 से ज़्यादा छात्र हों तो उनके नाम शीट 1 में क्रमबद्ध रूप से नोट करेंगे और फिर छात्रों के चयन के लिए सैंपलिंग प्रक्रिया का उपयोग करके 30 विद्यार्थियों का चयन आपको करना पड़ेगा और फिर प्रत्येक विद्यार्थी के सामने शीट 1 में क्रमानुसार स्टूडेंट ID भी आवंटित करनी होगी। साथियों, अब इस केस में पहले रैंडम सैंपलिंग प्रक्रिया से सेक्शन कैसे सेलेक्ट करना है वह जानते हैं। अब यदि कक्षा में 1 से अधिक सेक्शन हो तो आपको निम्नलिखित जानकारी नोट करनी होगी जिसमें सेक्शन की क्रम संख्या, सेक्शन का नाम, जितने भी सेक्शन हो ABC उनका नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद उन सेक्शनों में जो भी निर्देश का माध्यम हो वह यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि हिंदी या फिर अंग्रेजी माध्यम। उसके बाद अगले कॉलम में सेक्शन में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या और फिर आकलन के दिन उपस्थित जितने भी विद्यार्थी हों उनकी संख्या आप यहां पर लिख देंगे। अब इसके बाद सबसे आखिरी वाले कॉलम में आप जो भी सेक्शन चयनित करेंगे उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। अब 1 से ज़्यादा सेक्शन होने पर सेक्शन कैसे चयनित करना है वह जानते हैं। अब सेक्शन को चयन करने के लिए आपको एक रैंडम संख्या प्राप्त करनी होगी। रैंडम संख्या प्राप्त करने के लिए जिस भी विद्यालय में आपकी ड्यूटी लगी होगी वहाँ के पिन कोड के अंकों का प्रयोग कर आप रैंडम संख्या प्राप्त करेंगे।
जैसे कि मान लीजिए आपके विद्यालय का पिन कोड 110016 है, तो आप रैंडम संख्या प्राप्त करने के लिए इस पिन कोड के अंकों को इस प्रकार जोड़ देंगे और जो भी संख्या आपको एक अंक की प्राप्त होगी वह आपका रैंडम संख्या होगी। और अगर आपके केस में मान लीजिए अगर आपके विद्यालय के पिन कोड को जोड़ते समय संख्या 21 आ जाए तो आपको उस 21 संख्या को आगे भी जोड़ देना है, जैसे कि 2+1=3, तो आपकी इस केस में रैंडम संख्या 3 आएगी। अब इसके बाद स्टेप 2 में चित्र में दर्शाए गए कक्षा के सभी सेक्शन का नाम आप एक सीधी रेखा में लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर ए बी और सी तीन सेक्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पर सेक्शन ए से प्रारंभ करते हुए चक्रीय क्रम में एक बार में एक सेक्शन आगे की ओर बढ़ेंगे और चक्रीय क्रम में आगे बढ़ना तब तक जारी रखेंगे जब तक ऊपर के स्टेप 1 में प्राप्त रैंडम संख्या तक आप ना पहुंच जाएं। जिस सेक्शन पर आप आकर रुकेंगे वही आपका चयनित सेक्शन होगा, जैसे कि यहाँ पर स्टेप 1 में सेक्शन ए से बी पर गए, फिर बी से स्टेप 2 में सी पर, फिर सी से तीसरे स्टेप में वापस सेक्शन ए पर आए, ऐसे ही फिर स्टेप 4, फिर स्टेप 5 और स्टेप 6, उसके बाद फिर स्टेप 7, फिर स्टेप 8 और स्टेप 9 में सबसे आखिर में वापस में सेक्शन ए पर हम पहुंच गए, जो कि रैंडम संख्या 9 के बराबर है। आपको बस यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जितना भी आपका रैंडम नंबर आए उतने ही स्टेप आपको यहाँ पर चलने हैं। इसके बाद सैंपल्ड कक्षा में अगर 30 से अधिक विद्यार्थी हैं तो आपको यह प्रक्रिया करनी है, जिसमें 7 स्टेप दिए गए हैं। पहले स्टेप में विद्यालय के उपस्थिति पंजिका के अनुसार सैंपल्ड सेक्शन क्लास के सभी विद्यार्थी का नाम शीट 1 में आपको नोट करना है। उसके बाद स्टेप 2 में नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार आप सैंपलिंग इंटरवल यानी कि SI की गणना करेंगे, जिसमें कि विद्यालय में सैंपल्ड सेक्शन क्लास में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या आप यहां पर लिखेंगे और बटे में 30। उदाहरण के लिए मान लीजिए जो आप सैंपल सेक्शन सेलेक्ट करेंगे उसमें नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 58 है, तो यहां पर सैंपलिंग इंटरवल यानी कि SI 58/30 होगा और जब आप इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 1.93 आएगा। और जैसा कि गणित के सूत्र के हिसाब से आप सब जानते होंगे कि दशमलव के बाद का मान 0.50 से अधिक या उसके बराबर हो तो उसे हम अगली पूर्ण संख्या तक राउंड ऑफ करते हैं, और यदि दशमलव के बाद का मान 0.50 से कम हो तो उसे हम ठीक पहले वाली पूर्ण संख्या तक राउंड ऑफ करते हैं। तो इस केस में 1.93 1.50 से अधिक है तो हमने यहाँ पर इसको पूर्ण संख्या 2 तक मान लिया है, और अगर SI का मान 1.50 से कम होता है जैसे कि 1.46 तो आप यहाँ पर पूर्ण संख्या 1 लेंगे। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर दी गई टेबल में से आप अपना सैंपलिंग इंटरवल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके विद्यालय में सैंपल सेक्शन क्लास में विद्यार्थियों की कुल संख्या 30 से 45 के बीच हो तो आपका सैंपलिंग इंटरवल 1 आएगा, 46 से 75 के बीच में हो तो सैंपलिंग इंटरवल 2, और ऐसे ही 76 से 105 के बीच हो तो आपका सैंपलिंग इंटरवल 3 आएगा। अब स्टेप 3 में रैंडम स्टार्ट विधि से पहले विद्यार्थी का चयन करने के लिए आपको नीचे दी गई प्रक्रिया करनी होगी, जिसमें आपको अपने विद्यालय के पिन कोड को जोड़ते हुए एक रैंडम संख्या प्राप्त कर लेनी है, जैसे कि हमने अभी वह जाना था। अब इसमें जो भी आपका रैंडम नंबर आएगा आप शीट 1 में उसी रैंडम नंबर को देखते हुए पहले विद्यार्थी का चयन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर रैंडम नंबर 9 आ रहा है तो यहाँ पर उपस्थित सूची में से 9वें विद्यार्थी का चयन करेंगे और वही 9वां विद्यार्थी हमारा सर्वे के लिए स्टूडेंट 1 होगा और उसे हम स्टूडेंट 01 ID दे देंगे। उसके बाद अगले विद्यार्थी का चयन करने के लिए आपको इस सूत्र का पालन करना होगा। अब अगले स्टेप में अगले विद्यार्थी का चयन करने के लिए आपको जो भी रैंडम संख्या आई है उसमें आप सैंपलिंग इंटरवल के मान को जोड़ देंगे,
और फिर तीसरे विद्यार्थी के लिए रैंडम संख्या में सैंपलिंग इंटरवल के दो गुने मान को जोड़ते हुए तीसरे विद्यार्थी को सेलेक्ट करेंगे और फिर ऐसे ही आप आगे के 30 विद्यार्थियों का चयन करेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर इस केस में सैंपलिंग इंटरवल का मान 2 है, तो चयनित विद्यार्थी सूची के क्रम संख्या 9, 11, 13, 15, 17, 19 आदि पर होंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला विद्यार्थी 9वें नंबर का होगा, उसके बाद 9 में 2 जोड़ते हुए 11वां होगा और फिर 9 में सैंपलिंग इंटरवल के 2 गुने मान को जोड़ते हुए 13 और ऐसे ही 9 में सैंपलिंग इंटरवल के 3 गुने मान को जोड़ते हुए 15 आएगा। इस प्रकार आप विद्यार्थियों का चयन दी गई लिस्ट में से कर लेंगे। अब स्टेप 5 में यदि 30 विद्यार्थी मिलने से पहले ही आप सूची के अंत तक पहुंच जाते हैं तो इस प्रक्रिया को सूची के प्रारंभ से जारी रखेंगे जब तक कि आप 30 विद्यार्थियों का चयन ना कर लें। और यदि इस प्रक्रिया का पालन करते हुए आप संयोगवश फिर पहले से ही चयनित किसी विद्यार्थी या किसी अनुपस्थित विद्यार्थी तक पहुँच जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ठीक अगले विद्यार्थी का चयन करें और इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए गिनती तब तक जारी रखें जब तक कि आपको 30 विद्यार्थी ना मिल जाएं। और आखिर में स्टेप 7 में शीट 1 में प्रत्येक चयनित विद्यार्थी के सामने आप स्टूडेंट आईडी आवंटित कर देंगे और यहीं इन्हीं बच्चों को आप परीक्षा में सम्मिलित करेंगे। इसके बाद फील्ड इन्वेस्टिगेटर अपनी आवंटित कक्षा 3, 6 या 9 में जो भी सर्वे बुकलेट आपको मिलेगी जिसमें प्रश्न होंगे उसका फ्रंट पेज आपको खुद भर के बच्चों को देना होगा, जिसमें यह सभी जानकारियां आपको बच्चे के अनुसार भरनी होगी और साथ ही साथ बच्चों को दी जाने वाली OMR शीट में भी आपको स्टूडेंट रिस्पॉन्स जहाँ पर बच्चे अपने प्रश्नों के उत्तर दर्ज करेगा ठीक उससे ऊपर आपको सभी जानकारियाँ शीट में दिए गए निर्देशानुसार प्रत्येक बच्चे की सिर्फ कक्षा 3 के लिए भरनी है। कक्षा 6 और 9 के बच्चे OMR शीट में सभी एंट्रीज खुद भरेंगे, आप इसमें उनकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का और विशेष ध्यान रखें, कक्षा 3 के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए OMR शीट पर बच्चे स्टूडेंट रिस्पॉन्स में गोले भी खुद नहीं भरेंगे बल्कि FI को ही बाद में सारे प्रश्न के उत्तर जो बच्चे ने प्रश्न पत्र में करे हैं उसमें से भरने होंगे। कक्षा 6 और 9 में टेस्ट बुकलेट के साथ साथ प्रत्येक विद्यार्थी को एक OMR शीट भी देनी है। टेस्ट बुकलेट में बच्चों को यह भी बता दें कि सही उत्तर के लिए वह उस ऑप्शन के नंबर पर इस प्रकार गोला ज़रूर लगा दें जिससे बाद में OMR भरने में आसानी हो जाए। इसके बाद जब बच्चे टेस्ट बुकलेट और OMR भरने का कार्य पूरा कर लें उसके बाद आप उन्हें PQ क्वेश्चनरी बुकलेट देंगे जिसमें कक्षा 3 के लिए आपको फ्रंट पेज की सारी एंट्रीज खुद भरनी होंगी, बच्चे इसको नहीं भरेंगे। और कक्षा 6 और 9 के बच्चे PQ के फ्रंट पेज की सारी एंट्रीज और आंसर्स खुद भरेंगे, आप चाहे तो उनकी फ्रंट पेज भरने में सहायता कर सकते हैं। इसके बाद जब बच्चे परीक्षा पूरी कर लें तो FI फील्ड नोट्स तैयार कर लें और शिक्षक प्रश्नावली TQ को भी संबंधित भाषा और गणित के शिक्षक से अलग अलग भरवा कर अपने पास सुरक्षित रख लें। यह सब कार्य करने के बाद अंत में सर्वे की सभी सामग्रियों को 2 पैकेट में बांट कर उसको आपको पैक करना होगा, जिसमें सबसे पहले पैकेट में इस्तेमाल की गई सामग्री को आपको पैक करना है, जिसमें OMR शीट भरी हुई परीक्षा फॉर्म के अनुसार अलग अलग आपको क्रमानुसार व्यवस्थित करनी है। इसके बाद PQ, TQ और SQ की भरी हुई OMR शीट 3 अलग अलग पैकेटों में अलग अलग क्रम से व्यवस्थित कर लें और फिर जो आपने फील्ड नोट्स भरे हैं उसको भी आपको इसी पैकेट में बंद करना है। अब दूसरे पैकेट में जो भी सामग्री आपकी बच जाएगी जैसे कि OMR शीट, फील्ड नोट्स, PQ, TQ और SQ या फिर टेस्ट बुकलेट, वह सब आप पैकेट नंबर 2 में रख कर उसे बंद कर देंगे। साथियों, इसके अलावा अगली वीडियो में आपकी सहायता के लिए फील्ड इन्वेस्टिगेटर को सभी प्रपत्र जैसे फील्ड नोट्स, शीट 1, SQ, PQ, TQ और OMR शीट सही से कैसे भरनी है सभी भरे हुए प्रपत्र PDF के साथ देखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
साथियों, इस प्रकार आप SEAS सर्वे आसानी से करा सकते हैं। कोई भी परेशानी आने पर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जय हिंद।